हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टैरो रीडिंग फ्रेंड्स और मैं हूं आपका एनोनिमस आपके अगले सप्ताह के राशिफल के लिए जो है 7 जून से लेकर 13 जून के बीच। तो अब हम यूज करेंगे हमारे तीन कार्ड हमेशा की तरह जो होगी हमारे मेन टू कार्ड जो है मेन राइडर वॉच टैरो। इस बार हम यूज करेंगे ओशो जेन का कार्ड हमारे और गाइडेंस के लिए एंड फाइनली मेन गाइडेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं आर्क एंजल का कार्ड। इन तीनों कार्ड के इस्तेमाल के साथ देखते हैं कि आपका सप्ताह का राशिफल कैसा गुजरने वाला है 7 जून से लेकर 13 जून तक का जो है इस अगले संडे से लेकर सैटरडे तक। तो बढ़ते हैं पहली राशि की ओर। हमारी पहली राशि है एरीज राशि जो है मेष राशि। देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड कौन सा आया है। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक नए आइडियाज़ ये वीक आने वाले हैं। ये नए आइडियाज़ आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको जो है आगे जाके आपके जॉब वर्क रिलेटेड के अंदर या भले ही अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई रिलेटेड करियर ओरिएंटेड रिलेटेड भी हम ये बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा फीलिंग नज़र आ रही है कि न्यू आइडियाज़ न्यू पर्सपेक्टिव आपके पास आने वाले हैं जिसके थ्रू आप जो है आगे सक्सेस के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सेम टाइम आप जो एक नहीं नाम कमा पाए थे एक प्रीवियस टाइम के अंदर या लास्ट वीक कहीं ना कहीं अगर आपका एक बैलेंस नहीं था तो ये वीक एक बैलेंसिंग का कार्ड आपके लिए नज़र आ रहा है जहां पर आप इन सब आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो एक बहुत ही जेनरस कार्ड है और एक लग्जूरियस कार्ड है। कहीं ना कहीं बहुत ही रियलिस्टिक वेज के साथ इसको अटैच होता है एंड इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका बेस्ट टू बेस्ट जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। बात करते हैं आपके ओशोजन के कार्ड के लिए तो ओशोजन के लिए हमारे पास है रिसेप्टिविटी का कार्ड। रिसेप्टिविटी कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि जहाँ पर यही वो हमें बताता है कि नए आइडियाज़ आते हैं और उसी नई आइडियाज़ को हम यूज़ करते हुए हम अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। परफॉर्मेंस हो सकता है शायद आपका कोई वर्कशॉप होने वाला है या कहीं आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है या इंटरव्यू होने वाला है और ये पीरियड के अंदर उसके अंदर एक पॉजिटिव या बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट का मुझे नज़र आता है। बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर तो पर्सनल लाइफ के लिए आपके पास कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक ऐसा है कि सक्सेस तो आपके पास है ही है वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लेकिन एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग नज़र आ रही है कि जो ख़राब रिलेशनशिप्स थे वो सब पूरे हो सकते हैं। सेम टाइम एक ऐसा चांस आ सकता है कि जो बिगड़ी बात थी वो बन सकती है। इन दी एंड क्या आपको करना है कि कॉन्शियसनेस सबका अलाइव रखना क्योंकि ओशोजन कार्ड से हमें आया है कॉन्शियसनेस का कार्ड। करें कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल और सही दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो रिलेशनशिप तो क्या कुछ भी आप आराम से हासिल कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भले ही वो वेल्थ हो हेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप हो। गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड आया है आपके एजेंट से वो है रिलेशनशिप के अंदर हारमोनी। तो एरीज वालों आपके लिए जो है रिलेशनशिप में ये भी हारमोनी आने वाली है विद द सेंटेंस ऑफ वी एंजल्स आर ओपनिंग द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग रिजॉल्व्ड राइट नाउ। तो जो भी बिगड़ी बात थी रिलेशनशिप के अंदर जो आपकी शायद एक वीक से दो वीक से या एक महीने से चलती आई होगी तो चांसेस है कि नेक्स्ट वीक के अंदर से ये सब आपके लिए बेटर होने वाला है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है टॉरस राशि जो है वृषभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड आया है द फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मुझे चांसेस लगते हैं थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होने के। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप एक नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर ये भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो आप ना कोई इंटरव्यू आपके लिए सक्सेस होने वाली है ये भी। सेम टाइम ये भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपको जो एक इलनेस या एक पावर्टी की फीलिंग नज़र आने वाली है शायद आप कुछ चीज़ लूज़ करने वाले हो अपने हाथों से ये वीक के अंदर। तो कई अप्स एंड डाउन नज़र आते लगते हुए हैं मुझे यहाँ पर। इस कार्ड को देखने के लिए जाएंगे ओशोजन की तरफ से तो हमारे पास कार्ड आया है शेयरिंग का। तो बराबर अगर आप अपनी अंदर ही अंदर अगर आप ये चीज़ों को नहीं रखें थोड़ा शेयर करने की कोशिश करें तो भले ही अगर आपका ब्रेन बंद है तो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान के जिसके साथ आपने ये अपने टॉक शेयर किए हुए हैं उसके ब्रेन के नॉलेज से आपकी हेल्प शायद हो सकती है या कोई ना कोई रास्ते खुल सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ को ज़रा सा ख्याल में रखिए सेम टाइम अपने दिमाग के कॉन्शियस लेवल को भी ओपन रखिए क्यों ये कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हो गई तो ये आपके लिए एक बैड इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ पर हो ही सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ के रिलेटेड तो पर्सनल लाइफ के अंदर भी हमें फाइव ऑफ वैंड का कार्ड आया है जो कंटिन्यूस एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड नज़र आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट भी इधर नज़र आ रही है और एक फाइट करके डिसएग्रीमेंट के चीज़ के ऊपर नज़र आ रही है जहाँ पर आपका एक फीलिंग जो है सही चीज़ का नहीं आएगा। तो इस चीज़ की वजह से अवेयरनेस आपका होना बहुत ज़रूरी है जो हम अभी करवा रहे हैं आपको कि इसी टाइम से आप बी रेडी कि आप हर चीज़ के अंदर कोई झगड़े के अंदर कोई चीज़ को नहीं पढ़िए बहुत ही पीसफुल मैनर के अंदर चीज़ों को निकाले एंड कंटिन्यू करिए ताकि आपकी ही बेहतरी हो सके ये वीक के लिए।
गाइडेंस का कार्ड हमें कहता है कि पीस का कार्ड रखिए, तो पीस का कार्ड हमारे लिए ये साइन बता रहा है, पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग ओनली दैट वन थिंग विच इज रियल. सो द वन थिंग दैट इज रियल इज द ऑलमाइटी लॉर्ड. तो ऑलमाइटी लॉर्ड के ऊपर जो है आप अपना स्पिरिचुअल डिवाइन नेचर को उसके पास पुल करिए, ये भी थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअल वे के अंदर खुद को डिवोट करिए, ताकि आगे जाके जो है आपका ये वीक के अंदर भी आपका प्रोटेक्शन हो सके, सेम टाइम अगले वीक्स के अंदर भी आपके लिए अच्छा बनता रहे. बढ़ते हैं अगली राशि की ओर. हमारी अगली राशि है जेमिनी राशि, जो है मिथुन राशि. आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड अगर हम बात करने को जाए तो हमारे पास आया है द फाइव ऑफ कप्स का कार्ड. और हमेशा की रीडिंग की तरह एक ही इंटरप्रिटेशन हमेशा रहता है इस कार्ड को देखते हुए, और वो ये है कि आपके हाथ में 5 कप्स थे, चलते चलते कुछ ऐसा हो गया या कोई ऐसा स्टेप आपने ले लिया जिसके वजह से आपके 3 कप्स गिर गए. लेकिन ये भी बुरा ना माने कि अगर 3 कप्स गिर चुके तो 2 फिर भी है, यानी अभी भी आपके पास एक पावर या एक स्ट्रेंथ है जो आपको आगे बढ़ा सकता है. तो इस रीज़न के वजह से हम ये सोच सकते हैं ये भी आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या जॉब के रिलेटेड या कुछ भी आपके इंटरव्यू के रिलेटेड, वर्कशॉप के रिलेटेड, प्रेजेंटेशन के रिलेटेड या इवन इन योर स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ भी हो जाए इन सब चीज़ों के अंदर, तो काइंड ऑफ अ सैडनेस या टियरिंग का टाइम आ रहा है. हमें ये भी पता चला हुआ है कि यहाँ पर अभी जो है 6 जून को जो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी आए, के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं CBSE के, मोस्ट प्रॉब्ली 10 के ही हैं, 12 के तो अभी भी बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट का भी टाइम आने वाला है ताकि आप अपने आगे के करियर या कुछ का सोच सके. तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो कुछ भी रिलेटेड हो जाए ज़रा सा सैडनेस का टाइम आ रहा है. बस एक ही चीज़ इस चीज़ के अंदर करिए, वो है आपने जो भी कुछ सीखा हुआ है अपना बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज उसके अंदर इस्तेमाल करिए, ताकि आप अपने ये सब प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सके. हमारे पास दूसरा कार्ड आया हुआ है ओशो जेन से, वो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड. सो लिटिल टाइप ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, जैसे चीज़ें आप एक रूटीन से करते हुए आए हैं शायद सालों से या महीनों से, एक स्मॉल टाइप ऑफ अ चेंज इन योर स्किल या एक चेंज इन योर एक्शन वुड लीड टू समथिंग मोर बेटर टू यू, जो आपको है बहुत अच्छी तरीके से ये अंदर फॉलो अप करने के अंदर मदद करेगा और आपके प्रोफेशनल लाइफ में. आप पर्सनल लाइफ की आपकी बात करें तो हमारे पास आया था लवर्स का कार्ड का. तो लवर्स का कार्ड एक ऐसा पॉजिटिव कार्ड है जहाँ पर कहीं ना कहीं खुशियाँ नजर आ रही है. तो जेमिनी वालों, अगर आपके 2-3 हफ्तों से कार्ड अच्छे नहीं आ रहे पर्सनल लाइफ के अंदर या बीच में पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत कलिश चल रही है हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज या आपके रिलेशनशिप की बात कर लें, तो ये वीक आपके लिए रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस एंड हैप्पी पीरियड कार्ड फॉर यू पीपल. इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास आए हैं मोरालिटी का कार्ड. तो अपने प्रॉपर एथिक्स, अपने वैल्यूज़ को दिमाग में रखते हुए एक रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा एंड हेल्दी रिलेशनशिप के चांसेस आपके नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, और पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छा बेटरमेंट एंड पॉजिटिव परस्पेक्टिव का आपका कार्ड नज़र आता है. आपके गाइडेंस के कार्ड की बात करें तो गाइडेंस के कार्ड के लिए हमारे पास कार्ड है रिमेंबरिंग हु यू आर. तो ये सब चक्करों के अंदर भले ही आपके प्रोफेशनल लाइफ के हो, पर्सनल लाइफ के अंदर हो, ये ना भूल जाना कि आप असली में कौन हो, क्योंकि आपकी रियल आइडेंटिटी ही आपकी पहचान है. तो आर्क एंजल हमें कहता है कि यू आर अ पावरफुल पर्सन, अ लविंग एंड अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, सो यू आर वेरी लव्ड वन. तो अपने आप को ज़रा सा और स्पिरिचुअल वे के अंदर ऊपर वाले से मांगिए, क्योंकि आपकी तपस्या और आपका ही ये स्पिरिचुअल डिवोशन इतने वीक्स का कुछ अच्छा जाके स्लो स्लो आपके लिए एक अच्छा होता जाएगा. एज इट इज़ हम ये कह सकते हैं लॉकडाउन का पीरियड भी खत्म होता जा रहा है वन बाय वन एंड अनलॉक होते जा रहे हैं हमारे स्टेट्स. तो उसी रीज़न की वजह से ये बुरे चीज़ों का, नेगेटिविटी का प्रकोप हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, हमारे पूरे कंट्री के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है, और वैसे ही हमारे ज़ोडियक साइंस के ऊपर एक अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है. बढ़ते हैं अगली राशि की ओर. हमारी अगली राशि है कैंसर राशि, जो है कर्क राशि. आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमें पास आया है एस ऑफ वैंस का कार्ड. और एस ऑफ वैंस का कार्ड कैंसर वालों, आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेके आ रहा है कि आपके लिए ये वीक के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी बिजनेस रिलेटेड टास्क हो, जॉब हो या इंटरव्यू हो, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड एनी एस्पेक्ट्स, एनी कड़ियाँ, वो सब आपके लिए जो है एक पॉजिटिव नेचर लाने वाला है ये वीक के लिए, और एक बहुत ही अच्छी बिगिनिंग आपको देने वाला है स्टार्ट. तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप टेंशन फ्री रहिए, बस अपने स्किल्स को ऐड करिए और फिर ऊपर वाले से मांगिए, चीज़ें बहुत अच्छे होते रहेंगे. हाँ, और दोरे 2-3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाले हैं या 2-3 चीज़ों के भी आपको प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अगर आप ऑलरेडी बिजनेस यूनिट में हैं. बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि ओशोजन हमें कह रहा है कि कंपैरिजन का कार्ड ज़रूर दिमाग में रखिएगा. तो कंपैरिजन बेसिकली हमें ये हेल्प करेगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए बेनिफिट है उसके अंदर ही हाथ डालिएगा. लाइक एट वन टाइम आपके पास बहुत ही प्लीजिंग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत ही प्लीजिंग टाइप ऑफ आपके लिए अचीवमेंट आने वाली है, लेकिन उसके अंदर आपको ये चूज़ करना है कि लिटरली कौन सा आपको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है, ताकि आप इस अपने अचीवमेंट को, इस अपने प्रोजेक्ट को, इस अपने मेन आइडिया को कंटिन्यू रखते रहो, भले एक टाइम के लिए ये चीज़ नहीं बंद हो जाए.
पर्सनल लाइफ के रिलेटेड अगर आपकी बात करें तो हमारे पास आया था एम्प्रेस का कार्ड, और एम्प्रेस का कार्ड एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फीमेल पावर का कार्ड है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें यह भी बताता है कि वो फीमेल के पावर के वजह से आपके अंदर एक उन्नति का चांसेस मुझे नज़र आ रही है। ये उन्नति के चांसेस आपके हो सकते हैं आपके हेल्थ के रिलेटेड, आपके केयर करने के लिए, या हो सकता है कि आपके वेल्थ के इंक्रीज करने की लक्ष्मी भेज सकते हैं, या एट द सेम टाइम हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ओशन के कार्ड के अंदर बात करते हैं, आपके पास आए हीलिंग का कार्ड। तो अगर आपको ये लग रहा था कि पिछले हफ्ते या कुछ टाइम से अगर या ये वीक के अंदर ही बीच कुछ बुरी फीलिंग अगर आपको लग रही थी रिलेशनशिप के अंदर, या कोई चीज़ें नहीं बैठ रही थी सही तरीके से, मन मिटाव हो रहे थे, कलिश हो रही थी, तो ये सब चीज़ों के अंदर आते हैं कि हीलिंग का टाइम आ चुका है। और हीलिंग का टाइम एक ऐसा टाइम है जो घाव को भर सकता है। तो कहीं भी अगर आप सैड फील कर रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छा टाइम आपके पर्सनल लाइफ में हमें नज़र आ ही रहा है। अगर हम आपकी गाइडेंस की कार्ड करें तो हमारे पास आया है क्लैरिड ऑडियंस का कार्ड, और क्लैरिड ऑडियंस का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हियर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। तो अदर पीपल भी हमें एक बहुत ही अच्छा टांग से हमें ये बता रहा है कि एक फीमेल पावर जो आपकी लाइफ के अंदर है उनके लिए। अगर कोई फीमेल पावर है भी नहीं तो कोई ना कोई आपकी मॉम हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि रिलेशनशिप के अंदर ही फीमेल पावर हो, वो है आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ। सो जस्ट बी कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर, बी कनेक्टेड टू द फीमेल इन योर लाइफ हु इज योर हैविंग, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है वो, ताकि चीज़ें जो है बहुत ही अच्छा आपके लिए जाता जाए एंड सक्सेसफुल हो। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है लियो राशि, जो है सिंह राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें यही बता रहा है कि चीज़ें आपके पास बढ़ती भी आ रही है, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़ न्यू इन्वेंशंस तो बहुत है ही हैं आपके अंदर, स्किल से भरे हुए इंसान तो आप लियो वाले हो ही हो। लेकिन जैसे लास्ट वीक का आपका कार्ड था प्रोफेशनल लाइफ का, सेम यही प्रोफेशनल लाइफ ये वीक भी हमें नज़र आ रहा है कि सेम लेवल के ऊपर आप चल सकते हो। लेकिन अगर आप और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ओशन हमें कहता है कि क्रिएटिविटी कार्ड के अंदर एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताएगा कि यस, आपके अपने स्किल्स एंड आइडियाज एंड नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ चेंज, और ये चेंज आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा चेंज ला सकता है कि लास्ट वीक से ये वीक यू कैन मेक इट मोर बेटर फॉर यू। इस रीजन की वजह से ट्राई टू वर्क ऑन योर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू मेक योर प्रोफेशनल लाइफ मोर बेटर एंड मोर पीसफुल फॉर यू। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करेंगे तो हमारे पास कार्ड आया है द हाई ऑफ प्रिस्टेस का कार्ड। एक फीमेल पावर का डोमिनेशन कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे, और ये डोमिनेशन ऑफ फीमेल पावर आपके लिए एक पॉजिटिविटी का कार्ड भी नज़र आता है, और ये पॉजिटिव के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यस, चीज़ें जैसे लास्ट वीक चल रही थी आपके लव लाइफ के रिलेटेड या पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, ये वीक भी समथिंग सिमिलर ही है, अच्छी से नज़र आ रही है। बस फर्क ये चीज़ का है कि अगर आपने एक ज़रा सा गलत स्टेप ले लिया ना, तो ओशोजन हमें कहता है कि एक थंडर बोल्ट का इफेक्ट आने के चांसेस है। थंडर बोल्ट का कार्ड एक ऐसा कार्ड, एक अटैक। अब ये अटैक हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस वे में चलेंगे तो एक पॉजिटिव थंडर बोल्ट का अटैक आएगा, नेगेटिव वे में चलेंगे तो एक नेगेटिव का अटैक आ सकता है रिलेशनशिप यानी टूटने का, पर्सनल लाइफ के अंदर इलनेसेस, हेल्थ वेल्थ के अंदर रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव ये थंडर बोल्ट है कि बस एक सरप्राइज, एक गुड सरप्राइज आपके लिए आने के चांसेस है। गाइडेंस कार्ड की बात करें तो गाइडेंस के लिए आपके आया है कि स्प्रेड योर विंग्स। स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि बस इंजॉय करिए बिंदास होके अपनी लाइफ को, और कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूशन को जरूर अलाइव रखिए, क्योंकि आपके क्रिएटिविटी आपकी आइडियाज ही आपकी मदद कर सकती है। डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक राइट नाउ, द टाइम इज परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू गेट योर गोल्स टू बी अचीव। सो जस्ट बी केयरफुल ऑन दिस थिंग एंड थिंग्स विल गो वेरी बेटर फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। राशि है वर्गो राशि, जो है कन्या राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमारे पास कार्ड आया है स्टेंथ का कार्ड। स्टेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि किसी का होना आपकी लाइफ के अंदर आपको एक सक्सेसफुल एरिया के अंदर लेके जा रहा है, एक सक्सेसफुल एरिया के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस के रिलेटेड आप बोल सकते हैं, जॉब के रिलेटेड, इवन यू कैन टॉक अबाउट योर स्टडीज रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हैप्पीनेस है कि आपको ऐसा एक फीलिंग नजर आएगा जिसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हो, और लिटरली एक प्रोस्पेक्टिव या पॉजिटिव एनवायरमेंट आपके लिए नजर आता है ही मुझे। ओशन की बात करें तो एक एडवेंचर फीलिंग आपकी नेक्स्ट वीक आने वाली है, बिकॉज आपका एक कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। एक कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन इन योर लाइफ कैन लीड टू एडवेंचर विद यू, एंड दिस एडवेंचर इज गोइंग टू बी वेरी गुड।
अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो पर्सनल लाइफ के अंदर हैंग मैन का कार्ड आया है, तो पर्सनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि एक सैक्रिफाइस का मूवमेंट आपके लिए ये वीक होने वाला है। ऐसा वीक ऑफ सैक्रिफाइस जहाँ पर आप जो चीज़ नहीं चाहते थे वो शायद आपको करना पड़े ये वीक के अंदर। सेम टाइम एक इलनेस या प्रोफेसी यानी कुछ अच्छे के लिए आप कुछ करने वाले सैक्रिफाइस ये वीक, तो मुझे ये नज़र आ रहा है द हैंग मैन कार्ड से। अगर हम ओशो ज़ेन की कार्ड की बात करें तो इसके अंदर आया है एबंडेंस, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आपको जो सैक्रिफाइस आप करने वाले हो इट इज़ गोइंग टू बी फॉर समथिंग वेरी गुड, जो है एबंडेंस का कार्ड, ताकि आगे जाके आपको कोई चीज़ की कमी नहीं हो, आगे जाके आपको बहुत ही फुलफिलमेंट एंड बहुत ही कंप्लीट नेचर का एक फाइंडिंग हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि कुछ स्टेप लेने की वजह से आप ऐसा लगेगा कि आप इम्प्रेजेंट हो, आप केज्ड हो करके, आप कोई चीज़ जो रेगुलर करते थे वो आप रेगुलरली नहीं कर पा रहे हो करके। तो डोंट वरी, जो भी आप करने वाले वो है एबंडेंस का कार्ड, क्योंकि एबंडेंस का कार्ड कहने वाला कि जो आप कर रहे हो वो एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन आपके लाइफ में लाने वाला है एंड इज गोइंग टू लीड यू फॉर समथिंग वेरी गुड इन द फ्यूचर। गाइडेंस की फाइनली बात करें तो गाइडेंस के लिए आया था प्रायोरिटाइज। अभी प्रायोरिटाइज अभी ये कह रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके डेली टास्क के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ करंटली क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑन योर हाइएस्ट प्रायोरिटीज, आई विल हेल्प यू गेट द ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटेड एट द सेम टाइम। तो जैसे ही अगर आप अपने पढ़ाई में बिजी हैं या आप अपने पर्सनल लाइफ के अंदर बिजी हैं या आप अपने बिजनेस रिलेटेड बिजी है, तो पहले उन चीज़ों को सेट करिए, फिर सेकेंडरी चीज़ों को बाद में रखिए। क्यों? प्रायोरिटाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट करंटली। क्यों? ताकि आप लेवल एंड ऑर्गेनाइज वे के अंदर आगे चल सके। ये है मोटिवेशन का कार्ड आपके लिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है लिब्रा राशि, जो है तुला राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि यस, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल नज़र आते हुए नज़र आ रहे हो। सेम टाइम आपको फाइनेंशियल हेल्प भी आपकी नज़र आ रही है। शायद एक थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी लाइफ के अंदर, जो आपको फाइनेंशियल एड मिल सकती है, या आपकी खुद की मेहनत ही आपको ये वीक के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प दे सकती है। सेम टाइम हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर कहीं भी आपका कर्जा था या कहीं ना कहीं आपके जो है पैसे आपको कहीं से मिलने थे, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड के अंदर बहुत सी अप एंड डाउन हो चुकी है, तो चीज़ें अभी खुलना शुरू हो चुकी है, थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर ओवर हियर। तो देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड ओशो ज़ेन का कार्ड क्या कहता है। तो ओशो ज़ेन का कार्ड ये कहता है कि आपकी जो सक्सेस है इन प्रोफेशनल लाइफ, या आपकी जो है डेवलपमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस रिलेटेड हो, जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्कूल हो, या कुछ भी हो, इट इज़ बियॉन्ड इल्यूजन। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड इज़ वन ऑफ द कार्ड कि हम लोग जो है बयान ही नहीं कर पा सकते कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस कितना आपके लिए बेटर होने वाला है नेक्स्ट वीक का। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें आपके लिए, तो आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड आया है, वो है नाइन ऑफ कप्स का। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड एक ऐसा कप्स का कार्ड है जहाँ पर यहाँ पर भी दिखाते हैं कि थिंग्स थोड़े बहुत स्टेबल होते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का कहीं ना कहीं लोड आपके ऊपर पड़ने वाला है। लोड शायद हो सकता है आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड, या लोड हो सकता है आपके फैमिली मेंबर के किसी चीज़ के रिलेटेड, या ऐसा समझ लीजिए कि आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है ये वीक, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छी तरीके से निभा पाओगे। बस ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कहीं ना कहीं वीक ना हो जाओ। अगर ओशो ज़ेन की कार्ड की बात करें तो ओशो ज़ेन की कार्ड के हिसाब से हमारे पास आया द बर्डन का कार्ड। तो द बर्डन का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें ये बताता है कि यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही है जो आपके ऊपर आने वाली है, लेकिन सक्सेसफुली आप ज़रूर कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप्स को या पर्सनल को लिब्रा वाला कोई नहीं जान सकता, कि आप हमेशा रेडी हो अटैक करने के लिए उनके ऊपर जो आपके खिलाफ है। तो देखते हैं गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। गाइडेंस का कार्ड कहता है क्रिएटिव राइटिंग का कार्ड। और क्रिएटिव राइटिंग का कार्ड एक आर्क एंजल का कार्ड है हमारे, जो हमें ये बताता है मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स इन अ जर्नल और अ पेन और एन आर्टिकल और अ बुक। तो बेसिकली हम हमारी क्या करने वाले हैं गाइडेंस के हिसाब से, कि ये आपको सिखाता है कि आप जो भी कुछ होता है अगर फ्री टाइम के अंदर आप इसको ज़रा लिख ही लीजिए, ताकि यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि आप पूरे दिन में क्या कर चुके हो, ताकि वो चीज़ एक रिकॉर्ड आपकी बने रहे, आपको और एंथुजियाज्म दे और एनकरेज करे कि आगे भी आप ऐसे ही बढ़ते रहिए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वीक होने वाला है, ये वीक का जो बोलते हैं हम 7 जून से लेकर 13 जून तक का, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है। बस मेहनत करते जाइए अच्छी तरीके से और चीज़ों को सही तरीके से समझिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो राशि, जो है वृश्चिक राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करने को जाए तो हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहीं ना कहीं हमें ये फील कर रहा है कि आप ज़रा थके हुए हो ये वीक,
ये वीक आप थोड़े से लूज होने वाले हो, जरा थकावट होने वाली है, ये एक टाइप ऑफ एन एक्साइटमेंट नहीं रहा, आप चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करने वाले हो और लाइक आपको बोर्डम का ऐसा फीलिंग हो जाएगा या एक आप ओवर एस्टिमेटेड चीज़ों को समझोगे, एबंडेंट फील करोगे या ऐसा फील करने के चांसेस कि आप लैक ऑफ इंपॉर्टेंस खुद का फील करोगे कोई चीज़ के अंदर, भले ही कोई भी रिलेटेड जॉब हो आपका प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन एक ऐसा फीलिंग होगा जैसे आपको ये पसंद ही नहीं है, आपको एक उस फीलिंग में रहना ही नहीं है, यू नीड अ चेंज। तो हमारा ओशन जन का कार्ड साथ में ये कहता है कि आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग का कार्ड ये है कि ओके फाइन, अगर आप दूर जाना चाहते हो तो ज़रा सोच समझ के दूर जाइएगा, कि अगर आपको जॉब छोड़नी है तो छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, या कुछ काम करो तो उसको छोड़ना नहीं। लेकिन अगर एक स्पेस चाहते हो आप तो ज़रूर वो स्पेस ले लीजिए, लेकिन उसको भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंदर लीजिए, कैसे, हीलिंग के लिए। जैसे हमारा ओशन जन का कार्ड कह रहा है हीलिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्या कर सको, आप खुद को वापस रिवाइव कर सको एंड फुल बैक टू एनर्जी का टाइम लेके आ सको, ताकि आप वापस अच्छी तरीके से एंथुजियाज्म के साथ, एनकरेजमेंट के साथ अपने इस प्रोफेशनल लाइफ की करियर के अंदर भी अच्छे आगे बढ़ते जाओ और डेवलपमेंट करते जाइए। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड है आपकी एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है कि यस, एक फैमिली के अंदर बहुत अच्छी बिगिनिंग होने वाली है। शायद अगर आपकी अभी न्यूली वेड शादी है तो एक चांसेस है आपके घर के अंदर एक बर्थ ऑफ अ सन और बर्थ ऑफ अ फीमेल का भी चांस दिखाई दे रहा है। सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हो, आप एक रिलेशनशिप में पढ़ रहे हो या आप अभी न्यूली मैरिड भी हो, तो इन एनी केस वी कैन सी के फैमिली लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही अच्छा हैप्पीनेस का पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। सेम टाइम ओशोजन की तरफ से हमें यह नज़र आया रिबेल का कार्ड, और रिबेल का कार्ड एक बहुत ही अच्छा कलरफुल कार्ड है। तो कलरफुल कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है कि खुशियां तो भर के है ही है, कलर्स इन योर लाइफ तो है ही है। तो ज़रूरी नहीं कि हाँ होली का ही ओकेजन हो, होली हो या कलर हो, कभी भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, बस क्या है सही तरीके से इसका इस्तेमाल। गाइडेंस का कार्ड ये है कि हमारे आर्क एंजल का गाइडेंस कहता है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हो अपने अंदर। लीडरशिप की क्वालिटी के साथ हमारे पास ये आके कहता है कि इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू एज्यूम योर लीडरशिप पावर एंड पोजिशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। तो आप अपने किसी पावर को समझो, पहचानो, ढलो उसमें, ढलने के साथ साथ दूसरों तक का भी अपना प्यार फैलाओ, ताकि ये प्यार जो है टुगेदर सबके अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग लेके आ सकता है, एक पॉजिटिविटी की एनर्जी लेके आ सकता है एंड आपकी वजह से दूसरों को भी खुशी मिल सकती है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है सजिटेरियस, जो है धनु राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें हम तो हमारे पास आया है मेहनत का कार्ड। तो बेसिकली इट इज़ दी एट ऑफ कप, जहाँ पर कह रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर अगले हफ्ते से कुछ ऐसा सिस्टम्स आने वाले हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं कि आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हार्ड वर्क ही आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आपके करियर के अंदर आपको आगे बढ़ा सकता है। आपके बिजनेस रिलेटेड हो या तो कोई डील्स क्रैक करने की बात हो या जॉब के अंदर कोई भी आपको असाइनमेंट या टास्क दिया हो, और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई के अंदर आपके लिए कहा गया कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। करंटली ये कार्ड को देखते हुए हमें ये भी लग रहा है कि आपका माइंड बहुत ही डाइवर्टिंग एरिया के अंदर है। इस रीज़न की वजह से ओशन जन का कार्ड हमें कहता है कि एक माइंड का कार्ड, आपका माइंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है एंड इट इज़ नॉट इन अ वन प्लेस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। हर जगह पे कन्फ्यूजन रिलेटेड नज़र आ रहे हैं इस कार्ड के अंदर एंड हर जगह पे ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जिसकी कि आपको जो एक चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट है ही नहीं। आप एक टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कोई चीज़ के ऊपर अकम्प्लिश हो ही नहीं पा रहे। एक मेन गोल, एक मेन आइडिया रखते हुए पूरी मेहनत के साथ उसी चीज़ के ऊपर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छी तरीके से अकम्प्लिश कर पाएंगे, ये याद रखिए। तो अगले हफ्ते से ये चीज़ करिए कि मेहनत हद से ज़्यादा शुरू कर देना, ताकि ये मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाए और अपने माइंड पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो आपके पास कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये कि रिलेशनशिप आपकी धीमी तरीके से चलने वाली है, दे विल नॉट बी एनी इश्यूज या कुछ भी ऐसे रिलेटेड हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। एक सक्सेस, एक हैप्पीनेस या एक पॉजिटिव फीलिंग भी नज़र आ रही है, रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ हो, करियर, हेल्थ, वेल्थ सब के रिलेटेड हो। बस क्या, प्रोफेशनल लाइफ के कार्ड को देखने को जाएंगे तो मेहनत कह रहा है, तो सेम टाइम इधर भी मेहनत कह रहा है। बस खुद के ऊपर ओशोजन कह रहा है कि ट्रस्ट रखिए। अगर आप खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाओगे और आप दूसरों को कैसे चेंज कर पाओगे। जब तक आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा कोई चीज़ का कि हाँ आप, या कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा कि आप कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। गाइडेंस का कार्ड हमें कह रहा है कि अब टाइम आ चुका है, इट इज़ अ टाइम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग।
तो टीचिंग एंड लर्निंग का कार्ड हमें ये कहता है कीप एन ओपन माइंड लर्न न्यू आइडियाज देन टीच दीज आइडियाज टू अदर्स बिकॉज दिस इज द सेम वे यू विल बी एबल टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग यू विल बी एबल टू मेक योर सेल्फ मूव फॉरवर्ड तो फिर आप अपने आगे चीज़ों को बढ़ सकते हो जो आप पढ़ते हो वो चीज़ दूसरों को भी पढ़ाओ ताकि आपके थ्रू दूसरों को भी मदद मिल सके सेम टाइम आपके अंदर एक वो फीलिंग आ जाए कि एक स्ट्रॉन्ग और अपने आइडियाज को और स्ट्रेंथ के अंदर भरने का बढ़ते हैं अगली राशि की ओर हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न राशि जो है मकर राशि आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है द हाई प्रिस्टिस का कार्ड द हाई प्रिस्टिस का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताता है कि एक फीमेल डोमिनेशन पावर आपके ऊपर अभी चल रहा है तो बेसिकली आपके प्रोफेशनल लाइफ की है या तो आपके बिजनेस रिलेटेड आपके स्टडीज या आपके कुछ भी नई चीज़ की स्टार्टिंग आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर हमें नज़र आ रहा है एक मिस्ट्री टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन नज़र आ रहा है इसके अंदर कोई चीज़ है जो अननोन है जैसे सीक्रेट्स है कुछ ऐसे चीज़ है जिसका आउटकम हमें नहीं पता बेसिकली एक फ्यूचर जो है आपका अनसर्टन नज़र आ रहा है करंट सिचुएशन के हिसाब से तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वीक कि आपको जो है कैसा करके खुद को इस चीज़ से बाहर निकालना है खुद को ऐसा फोर्स करना है कि आपको अगर फील भी हो कहीं ना कहीं कि आपको वीकनेस नज़र आ रही है या कुछ ऐसी तरीके से फीलिंग आ रही है कि आप नहीं कर सकते हो तो यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ आउट क्योंकि हमारा ओशोजन का कार्ड हमें कह रहा है पार्टिसिपेशन तो बेसिकली आपको खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए क्योंकि वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आपके आजू बाजू है या क्या है करके तो कुछ भी चीज़ होने तो शायद आपके पर्सनल हो सकते हैं कोई चीज़ या आपके खुद के बॉडी रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है लाइक आपकी वीकनेस खुद की या कुछ बीमारी से आप गुजर रहे हो या कुछ ताकि आप उन सबको लड़ते हुए खुद को ये कह दीजिए कि येस आई एम स्ट्रांग इनफ एंड आई कैन फाइट और ये कहते हुए आप चीज़ों के अंदर खुद को पार्टिसिपेट करो ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के डेवलपमेंट में कुछ आँच आने नहीं दे सकते सेम टाइम आप आगे भी बढ़ते रह सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड आया है तो जस्टिस का कार्ड तो बेसिकली जस्टिस का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है आपके पास एक पावर है जस्टिस का एंड ऑल माइटी का तो ऑल माइटी डिवाइन पावर के हिसाब से आपके साथ जो भी कुछ होगा अच्छे के लिए होगा और जस्टिस तो आपके साथ होगा ही होगा कुछ बुरा होने तो ऊपर वाला आपके साथ दे ही नहीं सकता अगर हम आपकी इसकी बात करें तो एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें ख़राब करने के लिए या कहीं ना कहीं होगा आपके रिलेटेड एक आउटसाइडर का कार्ड आया है तो ओशोजन के हिसाब से आउटसाइडर का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है तो उस आउटसाइडर को आप पहचानने की कोशिश करिए ताकि आप जान सको कौन है वो पर्सन एंड इस हिसाब से जो है आप अपने आगे बढ़ सको प्रॉपरली फाइट कर सको और ख़ुद के ऊपर जो है एक कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़िए रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ खराबी होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही है कहीं से भी पर्सनल लाइफ के अगर आप अपने हेल्थ की बात करें वेल्थ की बात करें या अपनी फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो थोड़े से चेंजेस या बैलेंसिंग के अंदर थोड़ी सी तकलीफ नज़र आएगी आपको लेकिन इन दी एंड हमारे पास मेन सबका टॉप कार्ड आया है वो है हमारे जस्टिस का कार्ड तो हम ये सोच के चल सकते हैं कि ऊपर वाले का जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा अगर हम आपकी गाइडेंस की कार्ड की बात करें तो ये करिए कि आपके साथ यू विल ओवरकम डिफ़िकल्टीज जो भी डिफ़िकल्टीज आपके साथ होने वाली है आप इन सबको ओवरकम करेंगे द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू ये चीज़ याद रखिए कि इस टाइम जो आपके साथ चल रहा है इट इज़ द वर्स्ट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कुछ करो एंड यू आर गोइंग टू बी समनिंग समबडी हु इज़ गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ दीज चैलेंजेस तो किसी को बुलाने के वजह से ऐसा कुछ हो जाएगा ये सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ से निकल सकते हैं तो इन शॉर्ट हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी या कुछ ये है आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट वीक से कुछ आने वाली है तो डोंट वरी चीज़ें खुद चले जाएंगी खुद को डिवोट कर लिए कम्प्लीटली टूवर्ड्स स्पिरिचुअल ऑल माइटी लॉर्ड ताकि आपका प्रोटेक्शन हर टाइम बना रहे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर हमारी अगली राशि है एक्वेरियस राशि जो है कुंभ राशि आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है द टू ऑफ कप्स का कार्ड तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि ये भी आपके लिए एक हैप्पीनेस का कार्ड आने वाला है एक हैप्पीनेस का मोमेंट है आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई बिगड़ी हुई चीज़ या कोई अनस्टेबल चीज़ जो पिछले हफ्ते आपके साथ चल रही थी ये वीक अच्छा होते हुए हमें नज़र आ रहा है एंड सेम टाइम हम ये भी बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के भी चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं बेसिकली यू विल बी इंजॉइंग योर सेल्फ हमारे ओशोजन के कार्ड से ये बताए मोमेंट टू मोमेंट हर एक मोमेंट आपके लिए एक स्पेशल मोमेंट होने वाला है अगले वीक से आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके बिजनेस के अंदर आपकी पढ़ाई के रिलेटेड होने दो या आपके कोई एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड होने दो आपके प्रेजेंटेशन इंटरव्यूज होने दो सब बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं पर्सनल लाइफ की बात करें एक्वेरियस वाले आपके लिए तो आपके पास यहाँ पर है हार्ड वर्क का कार्ड
तो बेसिकली टेन ऑफ वैंड का कार्ड ऐसा है कि आपको एक बहुत प्रेशर के साथ थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो या अभी करने की आप सोच रहे हो तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट बनने वाली है। ये भी तो डिफिकल्ट क्या है, मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो हर एक चीज़ होता है दुनिया में, बस हमें तरीका ढूंढना पड़ता है उसको इम्पॉसिबल से पॉसिबल करने का। तो यहाँ पर नजर आ रहा है हार्ड वर्क का कार्ड, और ओशो जेन के कार्ड के हिसाब से हमें आ रहा है कि ये हार्ड वर्क जो आपका होने वाला है ये वीक आपको लीड करेगा एग्जॉस्टन के ऊपर। तो आप बेसिकली एग्जॉस्ट होने वाले हो आपकी ये हार्ड वर्क की वजह से, लेकिन खुद के इंटरनल पावर को अगर आप स्ट्रांग रखते जाओगे तो ये एग्जॉस्टन को आप अच्छी तरीके से ओवरकम कर सकते हो और आगे बढ़ते रह सकते हो। फैमिली के अंदर कुछ कलिश नजर आती हुई नजर आ रही है मुझे, लेकिन सेम टाइम यू कैन जस्ट मेक इट मोर बेटर, यू कैन प्रिपेयर इट योर सेल्फ। गाइडेंस का कार्ड कहता है आपका बिलवड वन आपके साथ है, तो आपके बिलवड वन जो भी है, आपकी भाई बहन मॉम डैड वाइफ चाइल्ड एनी वन, सो वो उसके बिलवड वन, आई एम हेल्पिंग यू विद योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। तो बेसिकली आपके बिलवड वन ही है जो आपका साथ निभा सकते हैं, वही आपको इस एग्जॉस्टन से जो है आपको पीस दे सकते हैं एंड लव दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं आपका प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छा जाने वाला है, पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एग्जॉस्टन का टाइम आ सकता है, लेकिन एग्जॉस्टन को ओवरकम करने के लिए आपके बिलवड वन का पावर आपके साथ है। बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि की ओर, अगली राशि है पाइसेस राशि जो है मीन राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है थोड़े इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ये वीक नजर आते हुए आपके लग रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ पैंस का कार्ड आया है तो चीज़ें आपके ऊपर भर के पड़ने वाली है, भले रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने दो या अनकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क होने दो, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पावर आने वाला है जिसकी वजह से आप रियली जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, वाइल्ड हो सकते हो। तो फिर हमारे ओशोजन के कार्ड से कार्ड आता है द मास्टर का कार्ड, और द मास्टर का कार्ड ऐसा कहता है कि खुद को ज़रा संभाल के रखिए, आपके ऊपर एक अच्छी नज़र है लेकिन उस नज़र के ऊपर आपको पॉजिटिव वे में चलना है, अपनी तरफ से कुछ गलती होने मत देना क्योंकि खुद की गलती आपको ही प्रॉब्लम में लेके आ सकती है। तो भले ही कितना प्रेशर हो जाए आपके एक प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, खुद को कंट्रोल रखिए, क्योंकि खुद का कंट्रोल आपकी मेन पावर है, क्योंकि वो मेन पावर से आप आगे बढ़ सकते हो। तो कीप योर कॉन्शियसनेस अलाइव। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो एक टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक फुल हैप्पीनेस का भी कार्ड नजर आ रहा है आपके हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर या तो रिलेशनशिप्स के अंदर, बहुत ही अच्छी चीज़ का कार्ड नजर आ रहा है, हैप्पीनेस हर जगह पे है, गुड प्रोस्पेक्टिव भी नजर आ रहे हैं, एक प्रॉस्पेरस फीलिंग भी नजर आ रही है मुझे। और हमारे जो है कार्ड जो कहते हैं ओशोजन की तरफ से वो भी हमें यही कहता है कि कॉन्शियसनेस को अलाइव रखिए, अगर बैलेंस चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के ऊपर तो फिर बैलेंस के लिए आपको चाहिए आपका कॉन्शियसनेस अलाइव। कॉन्शियसनेस का लाइफ रखते जाओगे, खुद के ऊपर ज़्यादा सोचोगे एंड सेम टाइम हर एक स्टेप को देखोगे कि आपका उसके अंदर क्या बेनिफिट है, और किसी को हार्म नहीं है और सेम टाइम आपको भी हार्म नहीं है, तो आगे बढ़ने से तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। गाइडेंस की कार्ड की बात करता हूँ, हमारे पास गाइडेंस आया कि आपके पास एक हेवन का पावर है, सो बेसिकली इट्स अ हेलो फ्रॉम हेवन टू यू, तो गॉड आपके साथ है ही है सेम टाइम पे, तो फिर क्यों पीछे हट रहे हो। Your loved ones is in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their lovings and blessings. तो जो भी आप लाइफ के अंदर आप किसी को भी खो चुके हो या अपनी लाइफ के पीरियड के अंदर या किसी को ही आपसे दूर चला गया है, उनकी दुआएं भी आपके साथ है heaven के थ्रू, सेम टाइम ऑलमाइटी लॉर्ड की भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो बस आगे बढ़ते रहिए, खुद का कॉन्शियसनेस अलाइव रखिए और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे गुजरती है ये वीक एंड आगे जाने वाली वीक के लिए। तो ये थी हमारी अब तक की साप्ताहिक राशिफल हमारे 12 राशियों के लिए। एज यूजुअल हमारी आखिरी रीडिंग होगी हमारे जनरल रीडिंग के ऊपर, तो जनरल रीडिंग के ऊपर हमारे सारे 12 राशियों के कार्ड के हिसाब से हमारे पास कार्ड आया है, देखते हैं कौन सा आया है। तो पहले हम तीन बार शफल करेंगे, तीन बार शफल करने के बाद जो कार्ड हमारे पास पहला आएगा उसे हम कहेंगे हमारा ये वीक की रीडिंग। सिमिलरली ओशोजन के कार्ड से भी हम निकालेंगे हमारे बेटर तीन बार शफल करके कार्ड। तो ये ज़रा सा फाइल बड़ा है तो मैं इसको नॉर्मली शफल करते रहूँगा क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाएगा हाथ से मैनेज करने। और फिर हमारी पहली कार्ड इधर, सिमिलरली गाइडेंस का कार्ड हमारे लिए क्या कहता है, तो गाइडेंस के कार्ड को भी हम तीन बार शफल करेंगे, 1 2 एंड देन 3, ये तीन बार शफल करके जो पहला कार्ड आए उसे हम कहेंगे हमारे गाइडेंस के अंदर। तो बेसिकली हमारे ये कार्ड के अंदर हमारा पहला कार्ड आया था लवर्स का कार्ड,
सो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि हमारे 12 राशियों के लिए इस ये वीक जो है रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही अच्छा टर्नओवर पॉइंट है. रिलेशनशिप के लिए एक अच्छी ऐसा अच्छी फीलिंग है कि आप अपने लव के अंदर, लव लाइफ में, एक रिलेशनशिप के अंदर या अपने लवर के साथ बहुत ही अच्छा सिस्टम आपके गुजरने वाला है. एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मुझे नज़र आ रहा है सिस्टम यहाँ पर. ओशन की कार्ड की बात करेंगे सेम टाइम पे तो आपको एक फ्रेंडलीनेस का कार्ड नज़र आ रहा है. तो फ्रेंडलीनेस के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा हमके फीलिंग ये नज़र आ रही है कि यस, कि हमारा लविंग के कार्ड के साथ साथ ये वीक हमारे फ्रेंडलीनेस के कार्ड भी बहुत अच्छा है. दोनों मिला के आपकी लाइफ के अंदर खुशहाली तो होती ही रहेगी, सेम टाइम एक हैप्पीनेस होता रहेगा. गाइडेंस का कार्ड हमें कहता है कि आपके पास एक है क्लेयरकोगनाइजेंस. एक ऐसा कार्ड है जो हमें ये बताता है कि पे अटेंशन टू योर थॉट्स एंड आइडियाज दैट कम टू यू एज दे आर आंसर्ड बाय प्रेयर्स. तो इन शॉर्ट हमें ये गाइडेंस बता रहा है कि अपने डिवाइन सुपरनैचुरल पावर के साथ, जो हमारे ऑलमाइटी लॉर्ड है, उनके तरफ खुद को कम्प्लीटली डिवोट कर दो. कुछ भी ऑब्स्टिकल्स लाइफ के अंदर आए तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स आपके जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. आप अच्छी लाइफ अपनी फेस कर सकते हो. रिलेशनशिप तो आपके साथ स्ट्रांग है ही है, सेम टाइम आपके साथ इसका भी स्ट्रेंथ है ऊपर वाले का. तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये वीक आपके लव लाइफ के ऊपर बहुत ही अच्छा रहने वाला है. एंड अकॉर्डिंगली आपकी गाइडेंस जो है आपको मैंने दे चुका हूँ आपके टैरट वाइज. एंड इन दी एंड यही कहूँगा आप सबको कि 70-80% आपके साथ रेजोनेट होती है ये रीडिंग, तो अच्छी बात है. नहीं होती है बिल्कुल भी तो आप पर्सनली भी अपना गाइडेंस मुझसे पूछ सकते हैं. ये फ्री रीडिंग तो आपको मिलती ही है इंस्टाग्राम से मुझसे, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं. कभी भी कितने भी क्वेश्चन हो, कुछ भी रिलेटेड हो, करिए. मेरे थ्रू आपको मिल रहा है, आपके थ्रू आप सारी दुनिया को ये फ्री रीडिंग्स के बारे में बताइए. मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप दुनिया की हेल्प करें ताकि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हम सब पे हमेशा बनी रहे. इन शॉर्ट थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू.